हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। छोटा बच्चा है, क्लास फर्स्ट में गया है, बाहर से आया है, तो एक या डेढ़ महीना अपनी नानी के घर आया है। तो यहाँ पर मुझे उसको पढ़ाना है, क्योंकि प्रेप क्लास से आया है तो बच्चे के मात्राएं भी देखनी है मुझे, और स्कूल से जो वर्क मिला है वो मुझे यहाँ पे क्लियर करना है, क्योंकि अप्रैल का टाइम है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। तो वहाँ से जो वर्क आ रहा है उसकी मम्मी ने मुझे सेंड कर दिया है और मैं बच्चे को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो दो दो चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, उसके बाद जब बच्चा यहाँ से जाएगा तो उसके PT1 एग्जाम आ जाएंगे। तो अभी उसके पास एक डेढ़ महीने का टाइम है और जुलाई में जाके एग्जाम होंगे, तो अभी मैं उसके क्लियर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बच्चे को क्या क्या पढ़ा रही हूँ, क्या क्या सिखा चुकी हूँ, क्योंकि उसको मात्राएं थोड़ी बहुत आती हैं, लेकिन पेरेंट्स की कहना है कि आप इसको चैप्टर लर्न करवाइए, दो दो चैप्टर इसके कंप्लीट कर दीजिए। तो मैंने क्या क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और क्या क्या वर्क करवा रही हूँ, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी दो दिन से बच्चा नहीं आ रहा था, घर में फंक्शन था उनके, आज बच्चा वापस से आया है। तो मैंने उस बच्चे को क्या कराया है, बुक रीड करवाई है, चैप्टर भी समझाया है, और उसके बाद बच्चे को वर्क करवाया। तो चलिए हम बच्चे को भी देख लेते हैं कि मैंने बच्चे को क्या दिया है और क्या करा रही हूँ। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS सारे सब्जेक्ट टच कर रही हूँ उसके मैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट डे बच्चा आया था तो मैंने उसको वर्णमाला लिखवाई थी। बच्चे ने थोड़ी सी गलती करी थी, मैंने दोबारा से लिखवाया, बच्चे को होमवर्क में दिया। उसके बाद Part 1 मीना का परिवार है, बच्चे ने कॉपी गंदी कर दी है, तो मैंने बच्चे को श्रुति लेख करवाए, ठीक है। उसके बाद बुक से ही मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए बच्चे को। तो Chapter 1 देखिए, मैंने बच्चे को क्लियर करवाया, बार बार रिपीट करवाती हूँ आंसर है बच्चे को, ताकि बच्चे को अच्छे से लर्न हो जाए। तो देखिए, राइटिंग भी अच्छी है बच्चा, और लिखना भी सीख गया है, तो पेरेंट्स खुश हैं क्योंकि बच्चा अच्छा कर रहा है। इसके बाद देखिए, Part 2 ले लिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा कोर्स नहीं है हिंदी में, तो अध्वनि से शुरू होने वाले शब्द, यहाँ पे इसकी बुक में मैम ने आम लिखवा रखा था, जबकि वो रॉन्ग है, क्योंकि आम आ से शुरू होता है, हमें अ से लिखना है। तो मैंने बच्चे को समझा दिया। ये देखिए बच्चे में मैम ने बुक फिल करवाई है, या मैम ने वहाँ से जो भेजा है वर्क, उसमें आम लिखा हुआ था, तो बच्चे ने यहाँ फिल कर लिया है। तो आम नहीं आएगा, या आम नहीं आएगा, मैंने बताया था ना आपको, तो आम नहीं आएगा, अनार, अमरूद, अदरक, क्योंकि अ से शुरू होने वाले शब्द हैं। उसके बाद दी और ली जोड़कर शब्द लिखो, तो जैसा बुक में था वो मैंने लिखवा दिया। उसके बाद Part 2 में मैंने गिनती ली, 1 से 5 तक की गिनती है इसके, लिंग बदलो, ये भी बुक की एक्सरसाइज है, सारा पीछे का है, और ये मैंने होमवर्क में दे दिया था। इसके बाद मैंने उसी में से लिया, इसके सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाओ। हाँ बेटा बताओ, दादाजी और दादी जी कितने हैं, एक हैं या एक एक हैं? एक एक। एक एक। दादाजी क्या पहनते हैं, खादी या दादी? खादी। खादी। गाना कौन गाता है, दादी या दादी और दादाजी? दादी। दादी गा रही है। मुस्काता कौन है, दादाजी या दादी? दादाजी। दादाजी। दादा दादी कौन से रंग की खादी पहनते हैं, सफेद रंग की, भूरे रंग की? भूरे। भूरे रंग की। तो देखिए बच्चों को मैंने समझा दिए हैं, इवन रीडिंग लगाना भी इसको अच्छे से आता है, जहाँ अटकता है वहां मैं इसको बता देती हूँ। तो इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, हिंदी बच्चा पढ़ लेता है। इसके बाद मैंने श्रुति लिख के नंबर डाल दिए हैं कि ये करने के बाद मैं बोलूंगी और आप लिखोगे। इसी तरीके से मैंने इंग्लिश में कर्सिव A to Z लिखवाया था और स्मॉल लिखवाया था, तो कैपिटल में बच्चे ने गड़बड़ की थी, तो मैंने कैपिटल कर्सिव दोबारा से लिखवाई। उसके बाद इंग्लिश में इसके राइट मिसिंग लेटर AEIOU फिल करने थे, वो करवा दिए मैंने इसको। साइंस में Chapter 1 आ गया था माई सेल्फ के ऊपर, वो मैंने इसको करवा दिया। उसके बाद EVS में ही Chapter 1 में ही क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, व्हाट आर सराउंडिंग, हाउ डू ट्रीज हेल्प अवर सराउंडिंग्स,
तो ये सब बच्चों को मैंने लर्न भी करवाया है, लिखवाया भी है। ऐसे इंग्लिश में राइट लेटर इन करेक्ट ABCD ऑर्डर में, करेक्ट ABCD ऑर्डर में बच्चे को करने थे। बच्चा अच्छा है, समझ जाता है, जिस तरह से करवा रही हूँ बच्चा तुरंत कर लेता है। यहाँ पे पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स ये भी इंग्लिश में था जो बच्चे को मैंने करवाया था। तो ये भी इसके क्वेश्चन आंसर बार बार रिपीट करवाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से लर्न हो जाए। और राइटिंग भी आप देख सकते हैं कि राइटिंग भी बच्चा अच्छी ही कर रहा है। आज मैंने चैप्टर 1 इसका कंप्लीट कर दिया। लास्ट था ये ऑप्शन वाले जो मैंने इसको समझाए, बच्चे से रीड करवाए और उसके बाद टिक करवा के बच्चे को फिल करवा दिए मैंने। आज चैप्टर 2 भी ले लिया मैंने, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बच्चे को लिखवाया मैंने कि लिविंग थिंग क्या होती है, जिसमें जान होती है, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मैन डॉग कैट हैं प्लांट्स। और नॉन लिविंग थिंग चेयर बुक कार बस बॉक्स, ये बच्चे ने अपने आप लिखे हैं। एक बार समझा दिया और बच्चे ने नोट कर लिया। मैथ्स में मैंने इसको काउंटिंग लिखवाई थी, 2 का टेबल लिखवाया फर्स्ट डे, एडिशन देखे, फिर घर से दी मैंने 51 to 100, एडिशन, नंबर नेम्स। क्योंकि अगर बच्चे को आता है तो हमको रुकना नहीं है, हमें और ज़्यादा बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी है। जो जो उनके सिलेबस में हम चाहें तो हम बच्चे को बहुत कुछ करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आफ्टर, तो जो जो इसके सिलेबस में है वो सब मैंने ले लिया और ये सब इसके आ भी चुका है। लेकिन नंबर नेम से तो मैं बच्चे को 100 तक लिखा कर देख रही हूँ कि बच्चे को लर्न है या नहीं लर्न है। तो डेली 1 पेज लिखवा लेती हूँ ताकि बच्चे को रिपीट भी हो जाएगा। यहाँ देखिए बिफोर ले लिए मैंने, नंबर नेम राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर। यहाँ बिटवीन लिए मैंने, होमवर्क दिया था बिटवीन, तो अभी चेक करूँगी, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो मैंने अभी नहीं देखा है। अभी मैंने केवल EVS पढ़ाई है और टेबल दिया था, टेबल्स दी थी 4 और 5 के, तो वो मैं अभी चेक करूँगी। क्लियर मामी? ला दिखाओ। तो देखिए मैंने श्रुति लेख भी करवा लिया क्योंकि मुझे मात्राएं भी देखनी है, इसको आती है नहीं आती है। तो दादाजी, खादी, लड़का, नानी, भूरा, रंग, एक एक, चाचा, मौसी, मामी। तो देखिए बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है, मैंने डिक्टेशन लिखवाई है बच्चे से श्रुति लेख, मैं बोलती गई और बच्चा लिखता गया। तो चैप्टर के ही वर्ड से ही, चैप्टर में से ही लिखवाए मैंने जो भी चैप्टर में दिया हुआ है। तो किससे क्या हो गया कि बच्चे की मात्राएं भी क्लियर हो गई, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, ठीक है, औ की मात्रा है, तो बच्चे की ये भी क्लियर हो गई साथ के साथ कि बच्चे को मात्राएं भी आती है, तो बच्चा इससे भूलेगा नहीं। तो देखा आपने कि बच्चे को मैंने क्या क्या करा दिया है, बच्चे की मात्राएं भी साथ चल रही हैं, उसके अलावा मैं उसको कॉपी का वर्क भी करवा रही हूँ। क्योंकि बच्चा अगर मैं मात्राओं पे ध्यान दूंगी या उसको पढ़ाने पे ध्यान दूंगी तो उसका जो स्कूल का वर्क है, जो स्कूल से आ रहा है, उसमें वो पीछे छूट जाएगा। दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ ताकि उसकी मात्राएं भी क्लियर होती जाए और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पेरेंट्स भी अच्छे हैं क्योंकि बच्चों को जो यहाँ ट्यूशन भेज रहे हैं उनको यहाँ पर आए, उनका घर का कुछ काम था तो यहाँ पर आए वो अपना, तो इसलिए उन्होंने अप्रैल में बच्चों को छुट्टी करवानी पड़ी। लेकिन स्कूल से जो भी वर्क आ रहा है वो करवा रहे हैं, लर्निंग के लिए उन्होंने ट्यूशन लगा दी है, तो इस तरह से पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स हैं जो अप्रैल से ही बच्चों को स्कूल भेजना, ट्यूशन भेजना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो बच्चों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो अगर ये बच्चा भी अप्रैल में नहीं आता, एक तो वर्क लोड बढ़ जाता है बच्चे के ऊपर, मैं जो चैप्टर समझा रही हूँ स्कूल में वो बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और जुलाई में जब बच्चों के टेस्ट होते तो बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती। तो इसलिए अगर आप भी पेरेंट्स हैं या आप ट्यूशन टीचर हैं तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों का सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ उनका बेसिक भी तैयार करिए कि कई बच्चे जो वीक है
उसे इंग्लिश हिंदी की जो प्रॉब्लम है या स्पेलिंग की प्रॉब्लम है या राइटिंग की प्रॉब्लम है वो बच्चों की कमी को दूर करिए। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि छोटे बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखना। ओके देन, थैंक यू, बाय।